नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओल्ड टाइम क्लासिक सहारनपुर चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था, हम अपने वादे के अनुसार अपने इस चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैंड शुरू कर रहे हैं। आज ये दिल्ली पुलिस के लिए जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की क्लास होने जा रही है, उसमें हमने पहली वीडियो कल जो थी रिलीज हुई थी आपकी। तो आज दोस्तों हम इस पर दूसरी वीडियो अपनी बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है, शुरू स्टार्ट हुआ और संख्या पत्ती है, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, आज का जो टॉपिक है संख्या पत्ती। अब संख्या पत्ती, आज हम जो इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वे संख्या पत्ती के जो क्वेश्चन हैं वे हैं आपके योग पर आधारित, योग या अंतर पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, जो पहला टॉपिक है जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन दिया गया, यदि दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याएं हैं सपोज एक्स प्लस वाई, योग है उनका 46, ठीक, और उनका अंतर 14 है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 14। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया गया जिसमें योग और अंतर दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, अगर x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू के लिए क्या करना, दोनों का टोटल करने के बाद, तो दोस्तों कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी मिलते हैं, x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है आपका, दोनों का टोटल करो और 200 डिवाइड कर दो। अगर x की वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू निकालनी, तो बड़ी वैल्यू होगी आपकी कितना होगा 0, ये हो गया 60, तो 200 डिवाइड करा कितना मिला 30, और y की निकालनी, दोनों घटा दो और 200 डिवाइड कर दो, घटाने के बाद कितना मिला ये आपका देखो 32, उसे डिवाइड कर दिया कितना मिला 16, ठीक है ना, दोनों को देख लो, चेक करके आंसर चेक करना, दोनों को जोड़ के 46 मिल गया और घटाने के बाद कितना मिल गया 14। तो यहाँ तक की बात आई समझ में। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको करने के किस तरीके से, यानी जब सपोज करो कि एक क्वेश्चन हो रहा है x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग 12 है और उनका जो अंतर है, अंतर उनका 4 है, अंतर कितना 4, तो x की अगर वैल्यू निकालनी, दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना 200 डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करा 16, तो ये कितना मिला आपका 8, और y की वैल्यू कैसे, दोनों घटा दो कितना मिला 8, ये कितना आया 4, तो दोनों को देख लो ऐड करने के बाद 12 और घटाने के बाद 4 मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके इस तरह के, अगर योग और अंतर दोनों पर आ जाए तो करना किस तरीके से, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो देखो किस तरीके से करना है आपको ये सोल्व इकाई का अंक। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, जैसे ये होगा 2, 3, 4, 5, इस तरह से कोई भी संख्या लिखी हुई, तो इधर से पढ़ना आपको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो इस तरीके से इस साइड से पढ़ना, तो यानी अंक कौन सा इकाई का, ये यानी इसका मतलब लास्ट वाला है, लास्ट वाला डिजिट। तो इसमें आपको कभी कभी पूछ लगा इकाई का अंक क्या होगा, देखो किस तरीके से, एक क्वेश्चन दिया गया आपको 7, 5, 6, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई करो 938 इंटू 872, तो पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें देखो कितना 6, यहाँ इकाई का अंक कितना 8, तो ये कितना आपका 2, तो करना कैसे है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी 48, ठीक है, 48 का बस 8 लेना आपको, यहाँ 2 ले लो, 8 दूनी 16 का 6 लेना बस, ये इकाई का अंक है आपका, ठीक है, जो इकाई के अंक थे वो ले लिए, बस उनकी मल्टीप्लाई कर दी, इकाई का अंक के बारे में पता लगा। तो ये एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखो, जैसा ये हुआ आपका 9, 3, 8 मल्टीप्लाई 8, 4, 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 3, 8, 4 मल्टीप्लाई, ये हुआ 212,
इसका एक एक अंक निकालना। तो ठीक है, देखो ये कितना बना, आठ और ये कितना हुआ पाँच, ये चार और ये हुआ दो। अगर देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा इसका एक अंक, इकाई का अंक देखना, वैसे तो 20 होगी मल्टीप्लाई, तो इकाई का अंक मिलना आपका 0, ठीक है। और ये कितना बचा आपका 2, तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपका इकाई का अंक 0। बात आई समझ में? ठीक है चलो, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन जो इकाई के अंक के थे जो आपको करना। अब क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो पावर पर डिपेंड है, तो आओ इसे रब कर देते, देखो लो। तो करना किस तरीके से है, आपको सपोज करो कि देखो कुछ तो वैल्यू ऐसी है, यानी 0 की पावर कितने भी करो 0 ही मिलना आपको, ठीक है। 1 की पावर जितने भी करो 1 ही मिलना आपको। सपोज कि 2 की पावर आपका n, तो ये तो छोड़ दो अभी, 5 की देखो, 5 की पावर n है तो कितना मिलेगा आपको 5, 6 की पावर n 6। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये तीन डिजिट है आपके, तीन डिजिट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको सोल्व करने के लिए करना क्या है, आपको निकालना किस तरीके से, नेक्स्ट कुछ डिजिट है जिनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि 2, 3, 4 और ये हुआ 7, 8 और 9। ये है कुछ वैल्यू जिनकी आपको इकाई के अंक निकालने हैं। तो कोशिश यही रखनी है हमें, जो इकाई का अंक है आपका किसी भी तरह किसी भी तरीके से हमें किसमें लेकर आना, चल इसमें लेकर आना, इन चार अंकों में कन्वर्ट करना। अगर इन चार अंकों में कन्वर्ट कर ले तो दोस्तों इजी हो जाएगा, वरना टाइम लगेगा आपको। वरना देखो पहला क्वेश्चन है ये आपका 70, 0 की पावर कितना है आपका यहाँ पर 67 है, तो इकाई का अंक पूछ लिया, तो यानी 0 की पावर देखो कितना 67, तो कितना मिला 0 ही रहेगा, यानी 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो 0 ही रहना है, वो चाहे कितने भी टाइम हो। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपका, ये मिला आपका 1240, तो यहाँ पर पावर है आपका 85, लो देखो, तो यहाँ 85 पावर होने का मतलब क्या है, यहाँ देखो तो 6 की मल्टीप्लाई करी इसके साथ तो कितना मैं तो 6 ही मिल जानी बस, ठीक है। तो ये तो है डिजिट, अगर इसमें से 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 इनमें से कोई भी डिजिट मिल जाए उनका सेम ही रहना है इकाई का अंक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सोल्व करने की। तो देखो अगर मिल जाती है कोई और वैल्यू, यानी इन इन चार वैल्यू को छोड़ने के बाद इनमें से कोई भी वैल्यू मिलती है, तो करना किस तरीके से देखो। तो सपोज करो कि ये रब कर दो, ये लो देखो, फिर ये है आपका 952, इसकी पावर है 67, इसमें इकाई का अंक निकालना, यानी किसके 2 की पावर कितना है 67, ठीक है। करना क्या है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, अदरवाइज वैसे अगर बड़े भी तरीके से हो जाएगा। करना क्या है, बस इसे 4 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद देखो कितना बचा, 4 से डिवाइड क्यों किया, सारी डिजिट वैसे तो याद रख, तुम अच्छी तरीके से यही याद करो कि सबको 4 से डिवाइड करना, पर क्या क्यों देखो, अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्म हमारा जो भी इकाई का अंक है इनमें मिलना, देखो किस तरीके से। अगर सपोज करो इसका है, इसे 2, 4 से डिवाइड करें 4, तो 4 या 16 64, अब ये 4 से डिवाइड करने के बाद 16 मिला, अब जितना शेष बचा, शेष कितना बचा आपका 3, यानी 3 बचा, तो वो 2 की पावर में रखो। अब इसका तो कितना मिलना, अब 2 की पावर 4 अगर आप करते हो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना हुआ 4, और ये 4 4 4 कितना होगा 16। मुझे पता है 6 की कितनी भी पावर कर दूं मुझे क्या मिलेगा 6 ही मिलना, इसलिए मैंने किस में कन्वर्ट किया, यानी 4 से डिवाइड करना, मेन रीजन है ये। तो ये हुआ इसका तो इकाई का अंक मिला 6, और उसका कितना मिला 8, तो 8 किया 8 6 48, तो इकाई का अंक कितना है ओनली 8। तो बात आई समझ में? तो दोस्तों चाहे तो आप एक काम करो, जितनी भी जैसे ये वैल्यू थी 267 पावर 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी शेष बचा
वो सर पर रखा हुआ और इसे सोल्व कर दो, दो तीन तो कितना मिल गया 8। तो समझ आया का एकम? चार क्यों नहीं, क्योंकि चार की पावर लेने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इनमें एक एक अंक। इसमें फिर चाहे जितने भी पावर बन जाए, चाहे 10 बन जाए, 100 बन जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सोल्व करने की, मेन रीज़न ये है। ठीक है, तो आओ देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन हो रहा है, लो कर दें जरा देखो। ये है आपका 1239 की पावर है आपका 66, ठीक है ना, 1239 की पावर 66। तो करना किस तरीके से है, कैसे करना है सोल्व बताओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे अभी। तो करना क्या है आपको, 9 की पावर 66 देखो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद पूनम कितना मिला, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचा वो लिख दो बस, कितना बचा शेष, 2। बात आई समझ, 4 से डिवाइड करोगे 64, 2 नहीं बचे, अब जो शेष बचे वो यहाँ लगा दिए, जितना भी शेष बचा। तो ऐसे क्या कर दोगे आप, 9 9 81, तो 1 आ गया आपका इकाई का अंक। तो आए समझ, अब देखो कंबाइन क्वेश्चन भी मिलते हैं इसी तरह के, लो इसे आप कर दो सारे को। कंबाइन किस तरह से मिलेंगे, ये है आपका 1237, ठीक है, इसकी पावर कितनी है आपकी 1237 की, 28। लो जी मल्टीप्लाई, ये है 1583 की पावर कितनी है आपकी 48। लो इसका एक एक अंक निकालना आपको, ठीक है। तो कैसा करना आपको, 7 की पावर कितना हो गया 28, और यहाँ कितना हुआ 3 की पावर 48। तो अब सोल्व करना आपको, ठीक है ना, ये तो कितना आया इसका, एक आया। तो कैसा आया पूनम, एक पता लगा, देखो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने का मतलब कितना मिला शेष, कितना मिला 0 ही बचा, जब 4 से डिवाइड करते 7 4 28 4 7 8 है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, शेष कुछ नहीं मिला 0, यहाँ पे भी यहाँ पे 0, क्या कोई भी शेष नहीं बचा, नहीं 3 से काटोगे तो 12 काट जाना है, ठीक है, ये भी 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0, 1 ये 1 एक गुना एक, तो एक आई आपकी, बात आई ना सर। तो एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा ही कंबाइन सा, हाँ कर लो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई शेष नहीं बचा तो उसका मतलब क्या मिला, 0 शेष है, एक्स की पावर 0 इसका मतलब कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, पता नहीं तुम्हें, और ये नहीं पता, तो देखो चलो कोई नहीं समझ लो, एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1 है, मैंने हमेशा पहले बताया हो, याद हो कैसे, ऐसे सपोज करो कि एक्स एक्स को काटना आपको, तभी तो एक मिलेगा, हमें पता है एक कब मिलेगा, 202 को डिवाइड करो या तो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये यहाँ से जाने के बाद ऊपर जाने के बाद पावर में क्या कन्वर्ट होगा बताओ, पावर में क्या फर्क पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी एक्स की पावर कितना, 1 माइनस 1, अब 1 से 1 कट जाना, तो बचा क्या, लो एक को ही तो लिखा था हमने, एक को हम एक्स बटे ये भी लिख सकें, तो समझ आया ना, कि कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 होगी उसका मान क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो चलो एक कंबाइन क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का, लो बस ये आखिरी क्वेश्चन है इकाई के अंक का। तो देखो क्या लिखा हुआ, ये है 213 मल्टीप्लाई, ये 512 22 मल्टीप्लाई,
और कितना 218। ठीक है, तो अगर यहां देखो, यहां तो है पावर आपकी 32 और यहां है पावर आपकी 20 और यहां पावर है कितनी आपकी 16। तो इसका एकाएक अंक निकालना, निकाल लो। देखो दोस्तों, अगर आप इसे बड़े तरीके से सोल्व करना चाह रहे हैं, बड़े तरीके से कैसे सोल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान दो। तो करना क्या है, देखो मैंने जैसे बताया कि पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो इसे 3 की पावर 16 लिखो और यहाँ 2 की पावर 20 और 8 की पावर 32। तो इसे आप अगर पावर 4 में कन्वर्ट करना, तो देखो ध्यान से सुनो, इसे करना आपको 3 की पावर 4 और 4, इसे लिखना 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ भी ले लो, इसे लिख दो 8 की पावर 4 और ये कितना हुआ आपका, यानी कितना हुआ 8। अब बात समझो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसे 4 बार लिखते हो, यानी इसका मतलब 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, यहाँ 3 × 3 × 3 × 3, इसका मतलब क्या मिला 81। इकाई का अंक क्या है आपका इसका, 81, यानी 1 की पावर 4 लिखोगे, इसका इकाई का अंक कितना होगा आपका, इसका इकाई का अंक 6। यानी कहने का मतलब है, इसे आप जब खोलोगे 2 × 4, 4 × 8 × 16 यानी 6 की पावर 5 मिलना, और यहाँ कितना मिलना आपको, यहाँ भी 6 की पावर 8 मिलना, क्योंकि जब इसकी पावर खोलोगे ये कितना बन जाएगा 8 × 8 × 8 × 8, ये हो गया 64 और ये भी आपका 64। अब 64 की जब मल्टीप्लाई करेगी 40 96 हो जाएगा आपका, तो कह कम कि यहाँ से भी क्या मिला 6। तो ये हुआ 1, ये कितना हुआ 6, ये भी 6, तो टोटल मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ 6×6 = 36। तो इकाई का अंक कितना हुआ 36। तो अगर दोस्तों आप देखना चाह रहे हैं ऐसे इस क्वेश्चन को, अगर बड़े तरीके से सोल्व करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे इकाई के अंक के कुछ क्वेश्चन, जो भी आपकी समस्या है किसी तरीके की, तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर है जो हमारा यानी स्टार्टिंग में ही वीडियो के दिखाया जाता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो रफ कर दें, हाँ कर लो। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है जानवरों पर आधारित होते हैं, जैसे आपके, ठीक है, जानवरों पर आधारित, जैसे कि 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, तो इस पे यानी दो, एक फॉर्मूला याद रख लो बस, आप 2 पैर वाले जानवर, तो इसमें था क्या 4H − L/2। ठीक है, तो ये संख्या जो है 2 पैर वाले जानवरों की निकल जाएगी। तो जैसा कि देखा, कुछ भेड़िए भेड़े चरा रहे हैं, यानी भेड़िए जो है, सॉरी गलत है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ गडरिए भेड़े चरा रहे हैं। ठीक है, कुछ गडरिए भेड़े चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, यानी L जो है आपका, L कितना 230, तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है, यानी H कितने हैं आपके 60, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों की संख्या मतलब भेड़ के कितने पैर हुए 4, और जो भेड़ को चराने वाले आदमी हैं, जो चराते हैं, ठीक है, उनके पैरों की संख्या कितनी 2। तो टोटल अगर यानी सिर की बात करें, तो सिर तो दोनों के एक होना, तो दोनों की संख्या टोटल काउंट करने के बाद कितनी है 60। तो सबसे पहले आप 2 पैर वाले निकाल लो, 2 पैर वाले कैसे, यहाँ रख दो फॉर्मूले में, 4 × 60 से मल्टीप्लाई करनी और माइनस के 230 क्या लिखना 2, ये हुआ 240, इसमें से घटाओ कितना 10/2 काट दो 5, कितना मिला 5। तो एक बार फिर देखो मल्टीप्लाई ठीक हुई या नहीं, ठीक है, यानी ये क्या मिला 2 पैर वाले। 2 पैर वाले मतलब कि आदमी कितने हैं, आदमी है 5, ठीक है ना, बात है समझ में, आदमी कितने 5। तो इसी तरह अगर आदमी 5 है तो जानवर कितने होंगे, जानवर
जानवर कितने, 55 है टोटल, तो 5 घटा दो कितने मिलेंगे, 55, ठीक है ना। तो सिर कितने होते हैं टोटल, सिर 60 दोनों के कंबाइन, यानी आदमी कितने 5, तो 5 इसमें से घटा दो तो 55, यानी कहने का मतलब है सिर सबके एक एक ही होता है, ठीक है ना। तो ठीक, जानवरों पर आधारित अगर क्वेश्चन आते तो करना क्या है आपको, सिर्फ ये, ठीक है, चलो रब कर दें इसे, ठीक है ना। लो तो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं इकाई के अंकों पर आधारित, किस पे, इकाई के अंकों पर आधारित क्वेश्चन। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी अगर आप उसके अंक जोड़ रहे, यानी इकाई एक तो हुआ इकाई का अंक, एक होगा उसमें दहाई का अंक, संख्या तब बननी है आपकी, इकाई यानी अंकों का योग जो है, किसका योग, अंकों का योग कितना है आपका 12, ठीक। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होती है, जो मूल संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है मूल संख्या से, 18 अधिक है, ठीक है ना। तो करना किस तरीके से देखो, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास मिले हुए, जैसे कि आपको मिला 75, ठीक है, दो ऑप्शन ये हुआ आपका, और थर्ड ऑप्शन ये है आपका, अच्छा, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 57। तो करना क्या है आपको दोस्तों, सबसे पहले तो चेक करना कि अंकों का योग 12 है, तो यही ऑप्शन से ये क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने की कोशिश ना करो, यही से करो ऑप्शन से ही। तो अंकों का योग 12 है, अंकों का योग देखो टोटल करके कितना मिला, यहाँ भी 12, ये 12, ये भी 12, ये तो 12, ये तो दिक्कत हुई, सभी अंकों का योग कितना 12, तो देखो, तो यानी 84। अब उसने क्या कहा था, उलटकर, उसने कहा था एक संख्या है किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। देखो अगर मैं इसे, अंकों का योग 12 है, ठीक है, अगर मैं इसे उलट दूं तो उलटने के बाद कितना होगा, 57, 57 का अगर इसका डिफरेंस कितना है, उसने कहा 18 अधिक होगी अगर अंक बदल दें, वैसे डिफरेंस कितना बैठा है यहाँ, 18 बैठा है, ये बात तो ठीक है, इसका मतलब आंसर तो ये ठीक है, बट ये 18 कम हो रही ना कि अधिक, चाहिए हमें कितना अधिक, अधिक कैसा मिलेगा, 57 लो। अब देखो इसकी क्या क्या खास बात है, इसे क्यों नहीं ले रहे हम, अगर इसे हमने उलट दिया, उलट दिया, उलटने के बाद कितनी कम हुई, बहुत ज़्यादा कम हुई, चाहिए हमें अधिक, इसे उलट दो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, तो 57 है ऑप्शन, 57 को अगर उलट दिया आपने, 75 मिला, तो कितना ऐड करना पड़ा आपको, 18 ऐड करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 ऐड करने के बाद अधिक हुई, हाँ भाई अधिक हुई, तो मेन आंसर क्या है आपका, मेन है 57, डी आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों कैसे करने हैं आपको, ऑप्शन से सोल्व करने हैं, इकाई के अंक पर आधारित। हाँ, तो अगर पूछ लेगा कभी कभी संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या करना आपको, संख्या ऐसा भी पूछ लेता है बिल्कुल, संख्या क्या होती है भाई, इकाई का अंक, या तो लिखो आप इकाई का अंक, ठीक है, उसके बाद 10 की मल्टीप्लाई कर दो दही, तब दही तभी तो पड़ी जाती है, तब 10 की मल्टीप्लाई होगी, दही का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना था इसमें आपका, 7, और 10 गुणा 5, तो 50, 5, 57, इस तरह से संख्या बनी आपकी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरह का है, जो तो कर दे रफ, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, क्या है आपका,
दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की चार गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। क्या हो जाता है उसका? अंक उलट जाते हैं। तो वह संख्या बताइए। तो देखो मिटा दें, लो इसमें ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है आपके 12, 21, ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा, ये थर्ड, ठीक है, ये ले लो आपका। लो 48 ये है। अब उसने कहा क्या है, ध्यान से देखो कि एक अंकों की यानी जो संख्या है दो अंकों की वो अंकों के योग की चार गुनी है। पहली कंडीशन तो यही है। अगर हम बात करें इसी की बात कर लो तो इसी के अगर अंकों का योग कितना है, इकाई का अंक दाई का अंक, यानी दाई का इकाई का दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिला, 3। अगर 3 में चार की मल्टीप्लाई कर दो, ये बात तो यही ठीक हो रही है, अंकों के योग की चार गुनी है। हाँ वैसे ही बात, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात आई, उसने कहा कि 9 जोड़ देने पर अंक उलट जाते हैं। हाँ भाई 12 में 9 जोड़ दो, कितना बनेगा 12 9, 21 अंक उलट गए भाई। सही है, यानी 12 का क्या बन गया आपका, 21 बन गया, अंक उलट गए। तो इसका मतलब ऑप्शन यही ठीक है, समझ आया। तो यानी क्वेश्चन ज़्यादातर इकाई के अंक के कैसे सोल्व करने हैं आपको, इस तरीके से आधारित, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करने हैं आपको, ठीक है, ऑप्शन से सोल्व करने, जितना ज़्यादा ऑप्शन से सोल्व करोगे इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको बेसिक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बस इसका एक लास्ट वीडियो और होगा कल। यानी कुछ क्वेश्चन किस तरीके से एक संख्या में 3 से गुणा करके, देखो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक संख्या में 3 से गुणा करने के बाद, यानी 3 से गुणा करी उसमें 10 घटाया जाता है, 10 घटा दिया, ठीक है, परिणाम 7, परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, 7 से भाग दे दी परिणाम को, अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में कितना मिलता है आपको, 5 प्राप्त होता है। तो दोस्तों चाहे तो जैसे लैंग्वेज बोल ली ऐसे कर दो सोल्व, अदरवाइज अगर नहीं ऐसा सोल्व करना चाहते तो मैं दिखा रहा अलग तरह दूसरे तरीके से भी सोल्व कर दो। ये तो लैंग्वेज कही थी सिर्फ आपको, तो बात आई समझ में किस तरीके से करना। तो चलो देखो किस तरह से सोल्व करना है ये क्वेश्चन। क्या था सवाल एक बार सुन लो, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 3 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दी जाती है और अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो करना क्या था, 7 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 घटा दिया, 7 से डिवाइड करने के बाद 5 मिला, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना मिला बताओ, 35। इसे माइनस है इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो 3x बराबर कितना मिला, 45, तो x बराबर कितना हुआ, 15, तो x बराबर कितना मिला, 15। तो आई बात समझ में। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाह रहे तो यानी जैसा भी क्वेश्चन बताना बस उसका जस्ट अपोजिट उल्टी डायरेक्शन से सोल्व कर दो, ठीक है, तो ये इजी सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके इस टाइप के भी होते हैं। तो आज के जो ये वीडियो क्लास है आपकी, आज हमने इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन करे, यानी जिसमें इकाई का अंक निपटा और आपके इकाई जो हो गया जानवर वाले क्वेश्चन थे, और उसके बाद कुछ भाग के संख्या थी आपकी और अंकों पर आधारित प्रश्न थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो ये वीडियो क्लास होगी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।